हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाड़ी से, और आज हम जा रहे हैं दोनों भाई कालेश्वर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से भाई का मन था वहाँ जाने का। तो आज कालेश्वर जा रहे हैं और आपको आज कालेश्वर का ब्लॉग मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और फटाफट वीडियो को शेयर भी किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप लोग देखो आगे का ब्लॉग। ये अभी हम आ गए हैं अपर मार्केट में, और हम अपना छोटा मोटा जो सामान होता है वो अपर मार्केट से ही लेते हैं, और जब हमें नहीं मिलता है तब हमें नीचे मार्केट जाना पड़ता है। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, और अब आगे चलते हैं। तो अभी हम पंचपुलिया क्रॉस करके बद्रीनाथ वाली रोड पे आ गए हैं, और आज मौसम हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। और अभी हम थे बस अड्डे पे, यहाँ पे बसें पार्किंग वगैरह होती है, और ये देखो पोखरी पुल वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ से नदी भी दिखाई दे रही है, हरी हरी लग रही है, और ऊपर नीला नीला आसमान, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रखा है आज का। तो अभी चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ से आपको दिखाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो अब चलते हैं। अभी हम मेन मार्केट से बाहर आ गए हैं करण प्रयाग के, और थोड़ा छोटा मोटा ट्रैफिक तो लगता ही रहता है, और देखो अभी खुली सड़क आ गई है तो मज़ा आ रहा है, और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है आज का। और अभी हम आ गए हैं ये बाबा आश्रम वाली रोड पे। तो करण प्रयाग वालों को तो मालूम ही है कि बाबा आश्रम वाली रोड है, और बाकी लोगों को बता दूं कि इस रोड से हम नैनीताल चमोली के लिए जाते हैं, जोशीमठ भी जाते हैं यहाँ से। और ये देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, रोड भी बढ़िया है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे मिलते हैं आपको, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। अभी हमने एक मोड़ लिया और यहाँ देखो पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया। तो पहाड़ों की ना यही खासियत होती है कि ये और जगहों से अलग होती है, हर मोड़ के बाद आपको कुछ डिफरेंट नज़ारा देखने को मिलता है। अभी पीछे पूरे बादल बादल लगे हुए थे, यहाँ एक साइड बादल लगे हुए और एक साइड मौसम पूरा साफ हो रखा है ना, बिल्कुल एकदम यूनिक सा नज़ारा। तो अगर आपने ऐसा नज़ारा देखा है कहीं तो कमेंट करके बताओ, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं कालेश्वर मंदिर के गेट पे, यहाँ से नीचे जाना, और गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे। और आज संडे है तो आज कोई भी दुकान ओपन नहीं थी, तो इसलिए हमको आगे ही जाना पड़ा। और अब चलते हैं और आपको लेके चलेंगे नीचे मंदिर, पहले ही घंटी बजाते हैं, ये तो बहुत ऊपर है, हवा भी चल रही है। तो अब चलते हैं नीचे, मैं कालेश्वर मंदिर एक पूरे एक साल बाद आ रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरे YouTube पे वीडियो भी, तो एक साल हो गया है, तो अब आना हो नहीं पाया किसी कारण, और आज अचानक ही प्लान बना, तो आज आ गए हम कालेश्वर मंदिर। इसी को कहते हैं भगवान की माया, ये अब हमने आना ही था तो अचानक ही प्लान बन गया, वरना हम एक साल से नहीं आए थे। और अभी नीचे चलते हैं, नीचे आपको मंदिर दिखाएंगे, और फिर आपको आज उधर भी लेके चलेंगे जहाँ पे एक नया पुल बना हुआ है ना, ब्रिज बना हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे। तो अब नीचे चलते हैं, तो सड़क से थोड़ा ही नीचे है, और अभी हम आ गए हैं और इस मोड़ के बाद है मंदिर। और आज मौसम कितना अच्छा हो रखा है, कल तक बारिश लगी हुई थी और आज मौसम कितना अच्छा हो रखा है। तो अब चलते हैं और आपको मंदिर दिखाएंगे। ये आ गया है मंदिर का गेट। ये है भगवान शिव का मंदिर, और ये
ये है पूरा मंदिर, और यहाँ का जाना माना मंदिर है। हाँ चल रही है, एकदम मन को एकदम शांत फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और एक साल बाद आया हूँ, क्योंकि आना नहीं हो पाया या भगवान का बुलावा नहीं था, तो अभी अचानक से प्लान बना और भाई का मन था, इसलिए आया मैं उसके साथ। और अभी अंदर पूजा वगैरह करेंगे, फिर बाहर आके आपको पूरा यहाँ के आसपास का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ करण प्रयाग के ये जाना माना मंदिर है, श्री कालेश्वर नाथ स्वामी का मंदिर। कई बार गाड़ियों के ऊपर से भी लिखा रहता है जय कालेश्वर नाथ या श्री कालेश्वर नाथ स्वामी या भैरव नाथ स्वामी, तो ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। और यहाँ पर आके एकदम मन को एकदम सुकून सा मिल रहा है। तो यही होता है जब भगवान का बुलावा होता है तो अचानक इंसान आ जाता है, और जब नहीं होता है तो सालों साल तक नहीं आ पाता हो। तो यही था, भगवान का बुलावा था तो हम आ गए, और अभी ऊपर पर दुकानें वगैरह बंद थी तो इसलिए आगे से सामान लाना पड़ा, धूप अगरबत्ती वगैरह। और ये देखो यहाँ का आसपास, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये जो घंटी दिख रही है ना, ये सारी मन्नत की घंटी है। जब लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो घंटी चढ़ाते हैं। और ये देखो जितने भी ये लाल कपड़े दिख रहे होंगे, ये भी सब मन्नत के हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको बाद मंदिर पे चढ़ाते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ नदी किनारे, और पीछे है मंदिर, तो मंदिर में आके एकदम अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे ऐसे ठंडी हवा खाने के लिए दर्शन वगैरह कर लिए भगवान जी, और अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर है मंदिर, मैं यहाँ नीचे नदी किनारे एकदम ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। मौसम देखो यार कितना बढ़िया हो रखा है, आज धूप है ना, पर उतनी ज़्यादा चुभ नहीं रही है धूप। भाई इधर की तरफ तो खतरनाक वाले बादल लग गए हैं। और ये है अलकनंदा नदी, और ये देखो कितनी साफ है आजकल, और बरसात के टाइम पे ऐसी गंदी हो जाती है ना नदी। और वो ऊपर है मंदिर, और अभी यहाँ पे से दिख नहीं रहा है, उधर एक ब्रिज बना हुआ है तो अभी उस पे जाएंगे, काफी शानदार बना हुआ है। और उधर है सिवाई गांव, तो वहाँ रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे स्टेशन वगैरह बनेगा यहाँ कहीं में, और उसका काम चल रहा है। तो पहले सिवाई आने के लिए रास्ता वहाँ से था, इधर से था ना, ये करण प्रयाग जो पोखरी पुल है तो वहाँ से था रास्ता, लेकिन बड़े बड़े ट्रक नहीं आ पाते थे क्योंकि वहाँ रास्ता बहुत पतला था, इसलिए यहाँ से ये ब्रिज बनाया। और यहाँ से इनको नज़दीक है बड़े बड़े ट्रक आने के लिए, इसलिए वो पुल बनाया। तभी उस पर भी जाएंगे, और पानी में पैर डालने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हमने पहने हुए आज जूते बूट्स, जो परसों ही पापा लेके आए देहरादून से, तो अभी कहाँ इसको उतारेंगे, फिर पानी में पैर डालेंगे, फिर तब तक काफ़ी लेट हो जाएगी, इसलिए अब चलते हैं ऊपर। और फिर अभी थोड़ी देर में वो ब्रिज की तरफ भी जाएंगे और आपको वो ब्रिज भी दिखाएंगे। और ये देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे, एकदम बीच बना हुआ है। ये मुझे दिखा है एक सैतूत का पेड़, जिसपे सैतूत, लाल लाल सैतूत लगे हुए हैं, और
और यहाँ पे भी है एक। यार मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है वहाँ तक, तभी मैं निकालता हूँ दिखाता हूँ आपको क्या होता है सैतूत। तो ये है सैतूत और इसे खाते हैं, और ये पेड़ पे लाल लाल लगे हुए हैं ऊपर ऊपर, नीचे तो थे नहीं। जब ये एकदम डार्क वाले रेड हो जाते हैं तब ज़्यादा मीठे होते हैं, तभी इसको टेस्ट करते हैं। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, अब बताते हैं कैसा हो रहा है। खट्टा हो रहा क्योंकि अभी पूरी तरीके से लाल नहीं हुए थे ना, पहले ही तोड़ दिए। और हम आ गए हैं मंदिर से बाहर, मतलब नीचे मंदिर से ऊपर आ गए हम रोड पे। ये है मंदिर का गेट। तो अभी हम नीचे से होकर और गाड़ी ऐसी गर्म हो रही है कि जिसको कहते हैं ना तवा बन रखी है गाड़ी इस टाइम, इतनी ज़्यादा गर्मी, भट्टी जैसी गर्म हो रही है। तो अब हम जाएंगे उधर पुल की तरफ और आपको पुल भी दिखाएंगे। और भाई पसीना पसीना छोड़ के नीचे से ऊपर आते आते। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे पुल की तरफ, और हमें जो जिस रोड से अभी हम कालेश्वर आए थे उसी पे सीधे से जाना है। और ये जहाँ पे नीली टंकी है वहाँ से नीचे को टर्न ले लेना है, और ये रास्ता आपको डायरेक्ट पुल पे लेके आ जाएगा। और यहाँ आगे पे दो रास्ते और जाते हैं, और वहाँ पे भी आप देखो किधर को टर्न लेना है हमने। और काफ़ी अच्छी जगह है ये कालेश्वर, और एक दो व्लॉग बनाए हैं मैंने, अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे उनका लिंक होगा, तो वहाँ से वो देखो। एक बार तो हम जूस लेने गए थे और एक बार हम यही मंदिर आए थे। तो अभी हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, और सामने दिखाई दे रहा है वो पुल। तो देखो मौसम फिर चेंज होने लग गया, बादल लगने लग गए हैं, और यहाँ पे देखो रोड कितनी बड़ी और एकदम मक्खन की तरह हो रही है, ऐसी फिसल रही है गाड़ी इस मक्खन पे हो गई। ये देखो ये है वो पुल, इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि नहीं है। देखो कितने सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, तो अभी हम भी रुकते हैं। हम ब्रिज पे यहाँ पे रोकी हुई हमने गाड़ी, और काफ़ी बड़ा है ये, हवा चल रही है यहाँ पे एकदम खतरनाक। यहाँ पे देखो तीन चार बंदर भी पुल की मौज लेते हैं। एक तो बीच में रुक गया। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, और धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लगा है, बादल लगने लगे हैं, क्या पता बारिश हो सकती है आज शाम को। और अब आपको मिलते हैं करण प्रयाग मार्केट में। तो अभी हम पहुंच गए हैं करण प्रयाग मार्केट, और अब हम जाएंगे घर के लिए। तो आज काफ़ी मज़ा आया, और मंदिर भी चले गए और ब्रिज भी देख लिया, और हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो भी ली, तो काफ़ी बढ़िया रहा हो, तो मज़ा भी आया। और साथ ही साथ मंदिर भी चले गए। तो ये देखो मौसम कैसा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खासी धूप लगी हुई थी और अब बारिश हो गई। और देखो आज रोड खाली खाली है, ट्रैफिक है नहीं। तो फटाफट निकलते हैं घर के लिए, और
आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। तो अभी हम जब मार्केट में थे तो बादल लगे हुए थे काले काले, और जैसे जैसे ऊपर आए यहाँ देखो मौसम फिर खुलने लग गया। तो यार किसी ने सही कहा कि उत्तराखंड में तीन तीन बार मौसम बदलता रहता है, तो सुबह से ऐसे ही चल रहा है मौसम का। और अब हम पहुँचने ही वाले हैं घर पे। ये देखो यहाँ मौसम खुल रहा है और एक साइड बादल लग रहे हैं काले, और पता नहीं आज बारिश होती है नहीं होती है। तो देखो दूसरी साइड फिर काले काले बादल लगे हुए हैं। ये देखो क्या पता बारिश हो, कोई भरोसा नहीं आजकल मौसम का। बारिश हो ही रही है तो अभी ये वैन रुकी हुई है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं घर पे और अब आपको घर पे मिलेंगे डायरेक्ट। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और अभी सब सोए हुए हैं और यहाँ धीरे धीरे मौसम ख़राब से होने लग गया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और कई लोग ऐसे सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब ही मत करो, इससे बढ़िया ठीक है बहुत बुरा लगता है इसलिए। और अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ ख़राब हो रहा है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ का एक लुक वो मौसम का हाल दिखा देता हूँ। और एक साइड तो काले बादल लग गए हैं इस साइड, और दूसरी साइड अभी हल्के हल्के बादल लग रहे हैं। तो इधर अभी हल्के हल्के बादल हैं, हल्की हल्की धूप है, और दूसरी साइड एकदम काले वाले बादल आ गए हैं, मतलब आज फिर बारिश आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक भी कर देना। बाय बाय, अब मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ।